बस स्टैंड पर गर्जी, नगर पालिका की हितैषी अतिक्रमण हटाया, दुकानदारों ने किया विरोध। अव्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर भी जता चुके हैं नाराजगी, जहां जरूरत नहीं वहां हटाया अतिक्रमण। शहर के पौरी बस स्टैंड पर आज नगर पालिका कामला सुबह सुबह अपनी हितैषी और अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते को लेकर पहुंच गया। यहां पर दुकानों के बाहर रखे काउंटर, स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही बस स्टैंड पर सफाई अभियान भी चलाया। हालांकि अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विरोध दुकानदारों ने किया और कहा कि हमें नोटिस दिए बिना बताए तोड़फोड़ कर दी गई, जिससे हमारा हजारों का नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अन्नू कमानी। अन्नू भाई मिस्त्री हैं। आज ये नगर पालिका की टीम आई थी। हाँ जी। तो जी क्या कोई था इसमें कि ऐसी तोड़? नहीं, कोई नहीं था। और उन्होंने टोड़ा टाड़ी की तो हमारे पास भी फोन आया। फोन आने के बाद में हमने आके देखा तो दुकानों के बाहर के काउंटरों के कोई बाहर टीन सेट भी नहीं है, और कोई टीन सेट भी नहीं था। वो अतिक्रमण में आता है जो दुकानों के आगे के काउंटरों को तोड़ के और भारी भरकम नुकसान करके गए। उनकी पूरी नगर पालिका की टीम थी और पूरे साथ में उन्होंने मैंने आगे देखा, उनसे बोला कहीं नहीं आपको तो काउंटर भी है तो वो आपको हटा के दुकान में रखना पड़ेगा। लेकिन वो नुकसान इतना कर गए हैं और बिना बताए बिना नोटिस दिए काफी नुकसान कर गए। गरीब आदमी है, अपनी उसी से रोजी रोटी करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई प्रशासन न सुनी और न कुछ, नुकसान करके चले गए। आप मानते हो गलत किया उन्होंने? गलत किया, और जबकि रोड़ों पे बाजारों पे जो अतिक्रमण है उसको साफ नहीं कर रहे, और इधर कुन्ने में आके जो दुकानों में दुकानों के आगे रखा है उसको तोड़ के गए हैं। ये ना इंसाफी है शासन प्रशासन की, ये बिल्कुल कोई गरीब आदमियों के पेट पर लात मारना है, ना कि उनको रोजी रोटी देना है। उनका ये कहना है कि हमने औरों को नोटिस दिया और कल और हटाएंगे। नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं दिया, ना बोल के गए, और अचानक आके उन्होंने जो नुकसान किया है, अगर बोल जाते तो हम अपना, अगर होता तो उस हिसाब से अपना सामान बचा लेते और नुकसान को बचा लेते। कुछ सामान भर के भी ले गए? सामान भी भर के ले गए, सामने वाले दुकान का काउंटर वाउंटर वो भी भर के ले गए, पानी की टंकी वो भी ले गए। ये सब आप लोगों की गैर मौजूदगी में हुआ है। दुकान वाला कोई है ही नहीं, आए नहीं। सर आज ये बस स्टैंड से जो अतिक्रमण हटाया है अंदर जाकर के, तो उसके बारे में लोग विरोध कर रहे हैं कि बाहर इतना अतिक्रमण है वो तो इनको दिखा नहीं, और अंदर आकर के हम लोग नहीं थे, हमारी गैर मौजूदगी में कैसे तोड़ा? देखिए, अतिक्रमण बाहर का हो या अंदर का हो, शहर की सुंदरता के लिए, शहर की नागरिकों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। तो ये अतिक्रमण हटाया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज मुनादी करा के बाकी लोगों को भी अंतिम चेतावनी दी गई है कि शहर के, मैंने उनसे आग्रह किया है नगर पालिका की ओर से, पिछले दिनों हमारे कलेक्टर महोदय भी वहाँ पे गए थे, तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जितना दुकान का दायरा है उसमें व्यवसाय करें, सुरक्षित तरीके से व्यवसाय करें। दुकान के दायरे के बाहर का जो कॉरिडोर है वो नागरिकों के चलने के लिए है, उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी।